हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मुकेश टेक्निकल स्टील वर्क में। और आज दोस्तों हम स्टील के रेलिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख पाए हैं बटरफ्लाई डिजाइन लगाया गया है और ये बहुत सुंदर डिजाइन लगता है दोस्तों। 304 ग्रेड में बन रहा है और आपको ये भी बताएंगे 304 ग्रेड क्या होता है, 202 ग्रेड क्या होता है, टोटल जानकारी देने वाले इस वीडियो में। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और इसका रेट क्या होता है एंड में ये भी बताएंगे। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, रेट क्या होता है टोटल जानकारी देंगे, क्या क्वालिटी होता है, कैसे ये बनता है, सारा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सबसे पहले वीडियो आपको मिले। दोस्तों ये देखिए फाइनल हो गया है बन के। अब इसको हम ये देखिए मास्टर पिलर अब अटैच कर किया जा रहा है इसमें। मास्टर पिलर अटैच करके अब 2 इंची दौड़ाएंगे दोस्तों। ये 2 इंची पाइप है देखिए, इसको भी डिग्री वगैरह मिलाएंगे सब और इसी को लेके हम चलेंगे बस इसी तरह। पहले 2 इंची सब मिला लेते हैं, इसके बाद डिजाइन लगाएंगे कैसे लगाएंगे वो भी बताएंगे हम। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और एक एक स्टेप आपको बताने वाले दोस्तों कि इसका रेट प्राइस क्या होगा, कैसे काम अच्छा होता है। देखिए इसमें डिग्री मिला लिए, अब इसके बाद इसको टेकिन मार मार के अभी खड़ा करेंगे, अभी मिला मिला के। देखिए दोस्तों अब ये मिल गया है मेरा कंप्लीट। अब जो है ना अब हम इसको वेल्डिंग टेकिन मार देते हैं, अभी एक एक टाका मार के हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर फाइनल वेल्डिंग हम बाद में भरेंगे दोस्तों, है ना। देखिए अभी हम एक टेकिन मार दिए हैं, बस इससे मेरा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टील में वेल्डिंग बहुत हेवी होता है, एक टाका भी मारते हैं ना तो बहुत हेवी होता है, इसलिए वो तो पूरा भराएगा तो बहुत मजबूत ही तो होगा ही। लेकिन अभी टेकिन मार के आगे चलते रहते हैं। अब देखिए वहाँ भी अब ब्लास्टर में एक अटैच करते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया है, अब आगे का प्रोसेस करते हैं हम। इसको बस थोड़ा ही बाकी रह गया दोस्तों, देखिए नीचे से 2 इंची पूरा घूम चुका है, यहाँ तक लास्ट तक पहुँच गया है। अब थोड़ा सा 3-4 फुट बाकी है, वहाँ एक चौताल है, चौताल के पास। अब यहाँ देखिए वाल में हमको अटैच करना है दोस्तों, ये वहाँ पे वाल दिया गया है एंड में, तो उस जगह पे होल कर ले रहे हैं और होल करके अपना सारा पाइप उसी में घुस जाएगा, है ना। तो मजबूताई का मजबूताई भी हो जाएगा और वो बढ़िया हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो अभी ये घुसा दिए इसमें और यहाँ भी देखिए सारा वेल्डिंग कर दिए। अब यहाँ से नीचे से ऊपर तक हो गया है। अब इसको दोस्तों हम पेपर मार लेते हैं। देखिए अभी जो वो वेल्डिंग खराब होता है ना, वेल्डिंग करते हैं इसके बाद देखिए किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है। इसके बाद हम वो पॉलिश मारते हैं, पेपर मारते हैं। तो देखिए वेल्डिंग उस समय टेकिन मारे थे, अब पूरा का पूरा वेल्डिंग भर लेते हैं। तो यहाँ वेल्डिंग भर ले रहे हैं हम और ऊपर देखिए काम चालू है, वो पॉलिश मार रहे हैं, तो क्या फटाफट काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ वेल्डिंग पूरा भर दिए हैं और देखिए ऊपर पॉलिश चालू है। और फाइनल होने के बाद देखिएगा दोस्तों इसका खूबसूरती कितना सुंदर दिखता है, तो ये सारा प्रोसेस दिखा रहे हैं। देखिए अब दोस्तों डिजाइन के लिए हम माल कटिंग कर रहे हैं इसको, अब ये डिजाइन लगाएंगे। ये 5/8 पाइप है दोस्तों हमारा, और इसी में मेरा डिजाइन घुसेगा और अंदर रेलिंग में अटैच होगा। देखिए अभी रेड बफ चल रहा है मेरा, इसके बाद फिर एक पहले तो पेपर मारे, इसके बाद रेड बफ चल रहा है, इसके बाद फिर एक बार वाइट बफ चलेगा तो फाइनल होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा चमक आता है, 304 ग्रेड का है दोस्तों। और 304 ग्रेड का हम अभी प्रूफ करेंगे कि 304 ग्रेड कैसे चेक करते हैं, तो अब वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और 304 ग्रेड कैसे लगता है, मतलब वो क्या पहचान, किससे कैसे आप पहचान कर सकते हैं 304 का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 304 ग्रेड जिंदल स्टील तो लिखा हुआ है दोस्तों। इसके बाद देखिए नीचे ग्रेड 304 लिखा, ग्रेड 304 लिखा हुआ है ना, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत ही साफ शब्दों में लिखा हुआ रहता है 304। और दोस्तों ये 202 में ना ये लिखा हुआ नहीं रहता है, 202 में जिंदल स्टील तो लिखा हुआ रहेगा, स्टेनलेस स्टील, बट उसमें ना 304 ग्रेड लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि
304 लिखा हुआ है या नहीं है। 304 लिखा हुआ नहीं होगा तो उसमें 202 में कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, सिर्फ वो लोगो लगा रहता है जिंदल का, जिंदल स्टेनलेस स्टील वगैरह वो लिखा रहता है, लेकिन ग्रेड 304 जो रहता है वो सिर्फ 304 में ही लिखा रहता है दोस्तों। और ये दोस्तों आप लिक्विड देख पा रहे होंगे, एक ये भी तरीका है, दूसरा तरीका ये है, एक तो वो जिंदल पाइप लिखा हुआ रहेगा 304 ग्रेड, और ये लिक्विड जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी आपको डालेंगे अगर आप वो 304 ग्रेड में, तो वो ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा, जैसा लिक्विड का कलर है वैसा ही रहेगा। और अगर 202 पाइप रहा दोस्तों तो उसमें ना ये थोड़ा येलो स्टेप हो जाएगा, येलो कलर का वो हो जाएगा, तो आप इससे भी आप जानकारी ले सकते हैं ये 202 है या 304 ग्रेड है। तो एक तो पहला है कि आप उसमें लिखा हुआ रहेगा ग्रेड 304 जिंदल स्टील, और दूसरे में ये आप केमिकल से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, इसको स्टील चेक करने का केमिकल बोलता है। तो आप ये दुकान पे इजीली मिल जाता है, ये 30-40 रुपये का आता है दोस्तों, एक डब्बी छोटा सा रहता है और बहुत ही आसान तरीके से ये चेक होता है। चलिए दोस्तों अब 304 और 202 ग्रेड का आपको तो पूरा कंफर्म हो गया होगा कि कैसे चेक करें, और अब प्रोसेस बताते हैं फिटिंग करने का। तो देखिए अब डिज़ाइन मेरा लगना स्टार्ट हो चुका है, अब इधर मेरा डिज़ाइन लग रहा है, तो डिज़ाइन लगते ही अभी अब बहुत ही जल्द फाइनल हो जाएगा मेरा सीढ़ी। अब वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, और अभी इसका रेट जो होता है अब रेट बताएंगे दोस्तों कि क्या रेट होता है। ये 304 ग्रेड में दोस्तों 18 गेज मटेरियल है, इसमें गेज का भी थोड़ा डिफरेंस होता है, अगर 20 गेज मटेरियल में आप काम कराते तो थोड़ा कम लगता है, हालांकि 18 गेज करते तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, और 16 गेज करते तो इससे भी ज़्यादा थोड़ा बजट भाग जाता है। तो आप 18 गेज मीडियम है दोस्तों, अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, 18 गेज ज़्यादातर काम दोस्तों 18 गेज में ही होता है। तो गेज भी आप देख सकते हैं, गेज में भी आपको रेट का डिफरेंस पड़ेगा, और ये 18 गेज में दोस्तों रेट जो है ये आपको 700 से लेके दोस्तों 750-800 रुपये तक होता है 304 ग्रेड में दोस्तों। अब आपको ये मार्केट आपका कौन सा मार्केट पड़ रहा है, वहाँ कौन सा मटेरियल कैसा अवेलेबल है, कितना आपका ट्रांसपोर्टिंग लग रहा है, उस हिसाब से रेट वेरी करेगा। बट इसका जो रेट आपके यहाँ पे जो है दोस्तों धनबाद में, धनबाद झारखंड में, ये 700 रुपये रनिंग फुट, 750 रुपये रनिंग फुट चलता है। और थोड़ा जो है ये अभी आप देख सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, जैसे आप कहीं दूर ट्रांसपोर्टेशन ले गए हैं, दूर आपका मकान है, मार्केट से काफ़ी दूर है, तो इस जगह पे थोड़ा रेट ज़्यादा लग सकता है, बट इसी का थोड़ा आगे पीछे होगा, 700-750-800 तक ऐसा ही रेंज में रहेगा। और बाकी डिज़ाइन के हिसाब से और आपको कम भी लगेगा, अगर दूसरा डिज़ाइन करना है तो थोड़ा कम लगेगा, इससे और भी भारी डिज़ाइन करना है तो उसमें और लगेगा दोस्तों। तो इसी तरह से आप जितना डिज़ाइन करवाते जाएंगे उस तरह से आपको रेट लगता है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका 304 और 202 ग्रेड आप कैसे देख सकते हैं, और रेट भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, और अच्छा लग रहा है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी को भी इस तरह का वीडियो चाहिए दोस्तों, या तो आपके कोई रिश्तेदार में भी अगर कहीं ऐसा घर बना रहे हैं तो उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का उनको लाभ मिल सके। चलिए देखिए मेरा अब डिज़ाइन लगभग एंडिंग तक पहुंच चुका है, अब देखिए यहाँ पे पहुंच गया है, इधर पॉलिश भी चल रहा है दोस्तों, और वहाँ पे मेरा लास्ट में डिज़ाइन लग रहा है, फाइनल होने वाला है कुछ ही देर में, अभी ये मेरा फाइनल होगा दोस्तों, है ना। तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, अभी फिर से फाइनल डिज़ाइन आपको दिखाएंगे, आप वीडियो में एकदम बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे अच्छे जानकारी आपको दे दिए हैं, और जो भी है अभी आपको बता रहे कैसे कैसे क्या होना है, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। चलिए ये दोस्तों देखिए अब मेरा फाइनल चल रहा है, ये पूरा फाइनल हो गया डिजाइन दोस्तों, है ना, देखिए कितना खूबसूरत सुंदर लग रहा है दोस्तों, बहुत ही सुपर। अब देख सकते हैं थोड़ा अंधेरा हो चुका है, इसलिए बल्ब का हमें सहारा लेना पड़ रहा है दोस्तों, कारण कि अभी सुबह से काम चल रहा था, तो अभी ये पूरा फाइनल करते करते अंधेरा हो गया, तो थोड़ा लाइट का दिक्कत हो रहा है, फिर भी वीडियो अच्छा आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और अभी देखिए ये यहाँ पे एंड होता है ना दोस्तों, तो काफ़ी खूबसूरत सीढ़ी लग रहा है दोस्तों रेलिंग का,
और चलिए आप भी कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको लगा दोस्तों रेलिंग, और अच्छा लग रहा है तो एक जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।